अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शब्बीर, ये कैसी की तरफ से और ये वीडियो खास सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने फिंगरप्रिंट्स चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो अपडेटेड हैं या नहीं। अगर आप फिंगरप्रिंट्स की बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि कोई स्टेप मिस ना हो पाए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो की जाना बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को नीचे बने लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में एक बेल का निशान बना हुआ उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की जानब और सीख लेते हैं। फिंगरप्रिंट की अपडेट को ऑनलाइन चेक करने के लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और उसमें टाइप करेंगे MOI स्पेस GOV स्पेस SA और एंटर प्रेस कर देंगे और हमारे सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी वजारत दाखिलिया की, या फिर इस वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पर क्लिक करें। मैं यहाँ पर वजारत दाखिलिया की वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ और ये हमारे सामने वजारत दाखिलिया की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसको यहाँ पर ऊपर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग इसको इंग्लिश में चूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक तो तीसरे नंबर पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्वायरीज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम नीचे यहाँ पर आ जाएंगे पासपोर्ट में पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ये हमारे पास पब्लिक क्वेरी फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी और इसमें हम यहाँ पर अपना इकामा नंबर टाइप करेंगे। और ये कैप्चर कोड कि हम रिपोर्ट नहीं है यहाँ पर नीचे टाइप कर देंगे 6803 और यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे। देखें ये यहाँ पर शो हो रहा है फिंगरप्रिंट अपडेटेड। तो अगर हमारी फिंगरप्रिंट अपडेटेड नहीं होंगे तो यहाँ पर लाल कलर में कुछ शो हो रहा होगा कि मैसेज आएगा कि हमारी फिंगरप्रिंट अपडेटेड नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।